ये इसको खोलते हैं। ये देखो भाई, ये है मोतीचूर का लड्डू और ये है हमारी बालूशाही और ये है उनका मिल्क केक। वहाँ का मैंने खाया है तो मैं यहाँ का कंपैरिजन करने के लिए मैं आपको, ये देखिए इनकी बूंदी कितनी छोटी है, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। देखिए ये इनका मिल्क केक फेमस इसलिए है ये, इसके बीच में देखिए आप, बीच में देख रहे हैं ये गोंद जैसा जो है ना, ये इनकी अलग से खासियत है। वो कैसे बनाते हैं और इसके अंदर, गेस करता हूँ मैं, इसके अंदर मे बी, यस सही जवाब, आपको मिलते हैं 100 ऑफ। इधर चौराहा, नेत्राम चौराहा, जगराम चौराहा या फिर सुलाखी चौराहा, लोकनाथ चौराहा, तो इन सभी चौराहों के नाम से सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान आती है, वो है मिठाइयों की दुकान। तो इलाहाबादियों को मिठाइयाँ चूँकि इतनी ज़्यादा पसंद है कि हम लोगों ने चौराहों का नाम ही मिठाइयों के नाम से रख दिया है। तो उन्हीं में से एक मिठाइयों की दुकान पर हम आज चलने वाले हैं और कुछ वहाँ पर खाने वाले हैं और कुछ दिखाने वाले हैं। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं EFT। और आज भी हम चलने वाले हैं इलाहाबाद में कुछ नया खोजने, कुछ नया खाने और कुछ नया खाने बट पुरानी दुकानों पर। पुरानी दुकानों का मेरा मतलब है आज हम जाने वाले हैं मिठाई की दुकान पर। और मिठाई की दुकान इलाहाबाद में इतनी ज़्यादा फेमस हैं कि मतलब बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ मिठाइयाँ खाने, जैसे कि सुलाखी चौराहा, नेत्राम चौराहा, हीरा चौराहा या जगराम चौराहा, ये सारे चौराहे सिर्फ और सिर्फ मिठाइयों के नाम पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिठाइयों की दुकान इतनी ज़्यादा फेमस है कि बाहर से लोग सिर्फ यहाँ पर मिठाइयाँ खाने आते हैं। तो उन्हीं में से एक दुकान में हम आज चलने वाले हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की दुकानों में भी चलेंगे, लेकिन आज हम पहली एक दुकान पर चलने वाले हैं जिसका नाम है जगराम चौराहा। और जगराम चौराहा पर हम जाने वाले हैं जगराम स्वीट्स में। जगराम स्वीट्स में जो मेरी पर्सनल फेवरेट है उसमें से एक है हमारी मिल्क केक बालूशाही। बालूशाही जैसे इलाहाबाद में काफ़ी फेमस है और दही रोल हो गया, और हम मुझे जो सबसे ज़्यादा वहाँ का पसंद है वो है मोतीचूर का लड्डू। मोतीचूर का लड्डू आपने बहुत जगह खाए होंगे, लेकिन वहाँ का कुछ अलग है। और अलग मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत जगह खाए हैं, लेकिन सब जगह खाने के बाद मैं यही कहूँगा कि अगर बाकी सबका 10 है तो उसका 100। चलिए देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या अलग है उसमें। ठीक है, बचपन की कई यादें जुड़ी हुई हैं, तो उन्हीं उस दुकान पर चलेंगे और अपने बचपन की कुछ पुरानी मिठाइयों को खाएँगे जो आज भी वहाँ बनती है और उतनी ही फेमस है। तो चलें। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं जगराम चौराहा। और जगराम चौराहा जैसा कि आपको पता है कि अपनी मिठाई की दुकान के कारण फेमस है, तो ये है जगराम चौराहा जहाँ पे एक स्टैचू लगा हुआ है और साथ में ये है दुकान। चूँकि आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन दुकानें हैं, 1, 2 और 3, तो हमें जाना है बीच वाली दुकान पर जिसके सामने जस्ट पेड़ लगा हुआ है, ये पेड़ के जस्ट सामने वाली दुकान पर हमें जाना है। यही है सबसे पुरानी और सबसे फेमस दुकान है यहाँ। तो फ्रेंड्स, हमने मिठाई ले ली है और ये रही पीछे दुकान, मिठाई हमने ले ली है। अब हम लोग चल रहे हैं इसे घर पे ही टेस्ट करेंगे और रिव्यू घर पे ही करेंगे, क्योंकि इसमें COVID-19 का थ्रेट इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो यहाँ पे दुकान में कुछ भी खाने के लिए अलाउड नहीं है। सो इसको हम लोगों ने ले लिया है और घर पर चलेंगे और उसका रिव्यू करेंगे और आपको बताएँगे क्या इनके यहाँ खास है और क्यों है इतना फेमस इनके यहाँ का सारा सामान। और जो इस समय आप कम रश देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ COVID-19 के थ्रेट के कारण है, और चूँकि आज है शुक्रवार तो कचहरी बंद होने के कारण यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, अदरवाइज़ यहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती है। तो हम लोग चलेंगे घर और वहाँ पे बताएंगे कि इनके जो खास मिठाइयाँ हैं उनके अंदर क्या खास है और कैसे ये उसे बनाते हैं। उनसे मैंने बात भी की लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया, शायद थ्रेट के कारण ही मना कर दिया होगा, अदरवाइज़ और कोई दूसरा रीज़न नहीं हो सकता है। सो मिठाई हमने ले ली है और अब हम चल रहे हैं यहाँ पे मिठाई, तो चलिए देखते हैं कैसा है ये। आओ इधर पास में आओ। तो ये है उनका जगराम का डब्बा
और ये शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाते हैं, और हम लोग ने मिक्स ली है उनकी, जो कुछ फेमस फेमस थी उसी में से कुछ दो चार पीस सब चीज़ के लिए ली है, क्योंकि हमें सिर्फ टेस्टिंग करनी थी। तो ये इनका देखिए यहाँ पे लैंडमार्क भी लिखा हुआ है, जगराम चौराहा नया कटरा प्रयागराज, और ये सिर्फ़ और सिर्फ देसी घी की मिठाइयाँ ही बनाते हैं ये, ठीक है। तो देखने से काफ़ी डब्बा भी काफ़ी टेम्पटिंग ही बनाया है इन्होंने, ठीक है। चलिए इसको खोलते हैं, ये देखो भाई, मतलब जो जो चीज़ें इनकी सबसे ज़्यादा फेमस हैं वो सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं। क्या क्या है? तो ये है मोतीचूर का लड्डू, जो आप सभी ने खाया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये डिफरेंट है। और ये है हमारी बालूशाही, और ये है उनका मिल्क केक, और ये है उनका मलाई रोल, मलाई का लड्डू। मलाई का लड्डू वैसे इलाहाबाद में हीरा हलवाई वाले का फेमस है, लेकिन मैं चूँकि वहाँ का मैंने खाया है, तो मैं यहाँ का कंपैरिजन करने के लिए भी इसको ले लिया था मैंने, ठीक है। तो मैंने मलाई का लड्डू भी इनका ले लिया, वो चूँकि फेमस है हीरा हलवाई का है। तो ये सब है, और मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर जो भी सामान दे रहे थे उनका हाथ पूरी तरीके से सैनिटाइज था, उन्होंने ग्लव्स पहना हुआ था, मास्क भी पहना हुआ था, और मैंने भी अभी हाथ जो है वो सैनिटाइज कर लिया है। मास्क नहीं पहना हो क्योंकि घर में बैठे हैं, इसलिए मास्क पहनने कोई मतलब नहीं है। तो मास्क नहीं पहने, मास्क पहने रहेंगे तो खाएंगे कैसे? तो मास्क उतार दिए हैं, तो अब इसको मैं इसकी प्लेट में निकाल लेता हूँ, उसके बाद टेस्ट करके बताता हूँ। तो मैंने प्लेट में निकाल लिया, वो है इनका मोतीचूर का लड्डू, पास में हो तो। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि ये सबसे अलग होता है, क्यों अलग होता है? जब आप इसको देखेंगे तो इसमें जो मोतीचूर के जो बेसन के मोती बने हुए हैं, वो इनके यहाँ जीरो नंबर की जो झरना होता है, जिससे ये बेसन का ये बूंदी झाड़ा जाता है, वो जीरो नंबर का होता है। और जगह जो बनते हैं वो एक नंबर और दो नंबर के झरने से बूंदी झाड़ के, और उसके बाद मोतीचूर का लड्डू बनाया जाता है। और इनके जो बूंदी बेसन के छाने जाते हैं वो जीरो नंबर के छाने जाते हैं, और ये प्योर देसी घी के हैं। मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इनकी बूंदी कितनी छोटी है, और इनमें के अंदर जो सबसे ख़ास बात है इनकी मिठास, मिठास इसमें इतनी जिन्विन है कि मतलब ना आपको इसमें ज़्यादा मीठा लगेगा, और ना मतलब ऐसा लगेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा घी है, ऐसा भी नहीं है, एकदम जिन्विन, मतलब जितना एग्जैक्ट क्वांटिटी हर चीज़ की होनी चाहिए वैसी ही रहती है इसमें। और आपको इसमें पीलापन देख के लग रहा होगा इसमें कलर मिला हुआ है, इसमें ना ही कोई कलर, ना ही कोई एडिटिव्स, कुछ भी नहीं मिले हुए हैं, ये प्योर बेसन सीरा और देसी घी में बना, कोई भी एडिटिव्स नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। तो खा के देखते हैं, एज़ यूज़ुअल हमेशा की तरह, जैसे सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है बाकी लड्डू से अलग, वैसा ही है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, और जगह के लड्डू आपने खाए होंगे बहुत जगह, पर अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं तो जिनवेली, अगर आप शहर में रहते होंगे तो आपने खाए ही होंगे, डेफिनेटली खाए होंगे। जगराम, नेत्राम, सुलाखी, लोकनाथ, यहाँ पर इलाहाबाद शहर में रहने वाला मिठाई ना खाया हुआ ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर रहते हैं और आप कभी इलाहाबाद आना चाहते हैं तो आपको यहाँ के लड्डू ज़रूर ट्राई करने चाहिए। पहली चीज़, मैं खुद अपने रिलेटिव्स को ये पहुँचा के आता हूँ, जब भी मैं किसी के यहाँ जाता हूँ तो वो उनकी सबसे पहली डिमांड ये रहती है कि जगराम के यहाँ की मिठाई ज़रूर लेके आना। तो इसको खाते हैं, तो लड्डू हो गया है ख़त्म, और अब हम देखने वाले हैं बालूशाही। देखिए बालूशाही हर जगह नहीं मिलती है, बालूशाही आपको इलाहाबाद में मिलेगी, लखनऊ में मिलेगी, और आपको मिल जाएगी कानपुर में। कानपुर में मैंने ठग्गू के लड्डू भी खाए हैं, तो मुझे आने, जाहिर सी बात है कुछ अलग था उनके भी लड्डू में, लेकिन उनके यहाँ भी बालूशाही थी, लेकिन बालूशाही फिर भी इनके कंपैरिजन में नहीं थी। इनके यहाँ बिकने वाला जो सबसे ज़्यादा दूसरा आइटम है वो बालूशाही। तो बालूशाही जो कि इलाहाबाद की डिश है, तो उसकी सबसे ज़्यादा खासियत, सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, वो ये होती है वो इतनी ज़्यादा भुरभुरी होनी चाहिए कि उठाते ही वो टूट जाए। तो आइए पास में आइए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसको उठाऊँगा, ये हाथ से उठने के लायक नहीं है, मतलब ये हाथ से उठ नहीं पाएगी, मतलब ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। देखिए ये देख रहे हैं, मतलब छूते ही वो टूट जा रही है। ये मैंने इसको कैसे चम्मच से उठा के इसमें रखा है मैं ही जानता हूँ, मतलब इसको छूते ही ये टूट जा रही है, देख रहे हैं, ये चूरा चूरा हो गया इसका। बालूशाही की जो मेन खासियत है वो यही होती है कि इसको छूते ही ये टूट जानी चाहिए। और इसके अंदर आप सीरा देखेंगे, देखिए सीरा, इसको सीरा में डुबोते नहीं, इसके ऊपर सीरा डालते हैं। देखिए आप अंदर सीरा नहीं दिखेगा, अंदर इसमें सीरा आपको नहीं दिखेगा, सीरा आपको सिर्फ ऊपर की लेयर, जो ये ऊपर वाली लेयर है, इसी में आपको सीरा मिलेगा। और ये प्योर देसी घी में बनी हुई है, और ये काफ़ी घी पीती है, सिर्फ और सिर्फ ये मैदे और घी
अब चीनी में भरी हुई है। तो आप देखिए ना ये कितने मुलायम है, मतलब इतनी ज़्यादा भुरभुरी होनी चाहिए। और लेयर्स देखिए इसमें, पास में इसमें लेयर्स देख रहे हैं आप, कितनी लेयर्स में टूट गया छूते ही। तो हम टेस्ट करते हैं इसको, आप बताते हैं आपको, देख रहे हैं टूट के छूते ही टूट जा रही है, मतलब भाई जबर, कोई जवाब नहीं है इसका, मतलब मैं कह सकता हूँ बेस्ट, सबसे अच्छी बेस्ट चीज़ है, मज़ा आ गई खा के इसको। जैसे मैं एक दो महीने पहले ही खाया था, लेकिन जब भी खाओ टेस्ट सेम, क्वालिटी इम्प्रूव्ड, और क्या बोलना है, बेस्ट बेस्ट का कोई जवाब ही नहीं होता है। नेक्स्ट थी मिल्क केक, आइए मिल्क केक की इनकी खासियत बताते हैं। इनकी मिल्क शेक में गुई सा पता नहीं क्या होता है, गोंद जैसा, जो खाने में सबसे, मतलब और जगह आप मिल्क केक खाएंगे तो आपको नॉर्मल दूध और फिटकरी से फाड़ा हुआ दूध को आप चीनी डाल के बना के आप घर में मिल्क केक बना सकते हैं, तो फिर इनका मिल्क केक इतना फेमस क्यों है? इनका मिल्क केक फेमस इसलिए है, इसलिए है ये, इसके बीच में देखिए आप, बीच में देख रहे हैं ये गोंद जैसा जो है ना, ये इनकी अलग से खासियत है। वो कैसे बनाते हैं वो कोई बताते नहीं है, उनका सीक्रेट है। और मिल्क केक तो ऐसा बनता है, मतलब उनके यहाँ बनता जाता है और ख़त्म होता जाता है, ऐसा नहीं कि बना के रखा हुआ है। तो ये जो गोंद जैसा है इस पर रहता है ना, ये इनका मेन खासियत है। मिल्क केक तो इनके यहाँ का बहुत ही अच्छा होता है, आप और जगह मिल्क केक खाएंगे आपको जैसे लगेगा आप खोआ खा रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ के मिल्क केक में ये अलग खासियत ही दिखती है। ये गोंद जैसा जो दिख रहा है आपको ना, ली जैसा, इसको जब आप खाते हैं तो उसको अलग ही टेस्ट आता है। इसको खा के मैं दिखाता हूँ, जबरदस्त है, काम जा रही है तो क्या ही बोलूं मैं। तो पता नहीं क्यों आज मुझे मोतीचूर के लड्डू बालू साइज ज्यादा मिल के अच्छा लग रहा, मैं कह रहा हूँ ना टेस्ट सेम क्वालिटी इम्प्रूव्ड। तो भैया इनके यहाँ का मलाई का लड्डू देख लेते हैं, जो कि मैं पर्सनली पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। अब बिकता होगा तभी बन रहा है, बहुत बनता है इनके यहाँ पे। तो इनका मलाई का लड्डू मैं पहली बार देख रहा हूँ, और ये ऊपर इसके ऊपर शायद नारियल का बूरा है, कोकोनट शेडिंग्स इसके ऊपर लगी हुई हैं, और नीचे ये प्योर खोवा है, खोवा भुना हुआ नहीं लग रहा हमें। और इसके अंदर गेस करता हूँ मैं, इसके अंदर शायद उसका छेने की मिठाई होगी, मे बी। यस, सही जवाब, आपको मिलते हैं 100 out of 100। और इसमें डेफिनेटली ये छेने की मिठाई है, ये रहती है, और ये आप हीरा हलवाई यहाँ भी खाने जाएंगे तो आपको भी मिलेगी, उसमें भी मिलेगी। और ये मलाई का लड्डू इसलिए क्योंकि ये इसमें खोवे में जो है, ये जो खोवा बनाया गया है बिना मलाई निकाले हुए दूध से बनाया गया है ना, मतलब बिना फेटे हुए दूध से खोवा बनाया गया है। और ये मलाई का, और हीरा हलवाई के आप यहाँ जाएंगे तो ये छेने वाला भी रहेगा, अंदर मलाई भी भरी रहती है। तो देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। एक बात कहना चाहेंगे, हीरा हलवाई बराबर तो नहीं है, जो सच बात है, लेकिन उससे कम भी नहीं है, कंपीट नहीं कर रहा है, लगभग लगभग बराबर है। मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि किसी चीज का, किसी कोई चीज किसी के यहाँ के फेमस है, लेकिन उसके बाद भी मैं ये कह सकता हूँ कि ये सबसे अच्छा है, जैसा उनका है सेम वैसा, क्योंकि मैंने उन्हें उनके यहाँ भी खाया है, और जैसे उनका वैसे ही सेम इनका। जो खास बात होती है ना मलाई के लड्डू में, वो खास बात होती है इस खोवे में, इस खोवे को बनाने में, क्योंकि ये खोवा जो है ना, खोवा तो बहुत जगह बनता है, नॉर्मल खोवा का भी बन सकता है ये, लेकिन इस खोवे को बनाने में जो सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, इसको भूनना भी नहीं है, इसका टेस्ट भी इन्हेंस करना है, मतलब नॉर्मल खोवे, रॉ खोवे से अच्छा भी लगना चाहिए और खोवा बना भी होना चाहिए। तो बिना भूने इसको बनाने की जो मेन टेक्निक है वो होती है। और अंदर आप देख रहे हैं इसमें शीरा भरा हुआ था ये, चूँकि इसके अंदर ये रसगुल्ला था, ये छेने वाला, और इसमें मलाई मिसिंग थी, मलाई के लड्डू मलाई मिसिंग थी, पता नहीं क्यों, बट मलाई के लड्डू मलाई तो होनी चाहिए लेकिन नहीं थी। भाई मजा आ गई आज, इतनी मिठाई खाने के बाद अब लग रहा है कि आज रात का खाना नहीं होने वाला। तो हम ये कहना चाहेंगे कि मिठाई उनके यहाँ की काफ़ी अच्छी थी, और कभी इलाहाबाद आए आप तो इन जगराम की मिठाई आप ज़रूर ट्राई करें, आपको मैंने दिखाई दिया है। और लड्डू तो आपको डेफिनेटली खाना ही चाहिए इनके यहाँ का लड्डू और मिल्क केक, ठीक है।
बालू शाही डेफिनेटली बिकती ही है, अच्छी होती ही है, तो आप कभी आएँ इलाहाबाद तो जगराम की मिठाई ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू दोस्तों, इस समय कोरोना बहुत फैला हुआ है इलाहाबाद में भी बाहर भी, तो स्टे होम स्टे सेफ, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क पहनें और घर में ही रहें, जब बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।